श्री शिवाय नमस्तु। निर्धारित करना कि हम कार्तिक के जो 7 नियम है, कार्तिक के महीने के जो 7 नियम बताए गए हैं, कम से कम हम 7 नियम में से एक नियम ऐसा पकड़ें जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। आप भले 7 नियम नहीं कर रहे कार्तिक के, भले एक नियम करो, पर वो नियम हमारा पूर्ण चलना चाहिए, उसकी नियम की पूर्णता पूर्ण होना चाहिए। आपको कहा था कार्तिक के 7 नियम है, उसमें पहला दीपदान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा भूमि पर शयन, चौथा शरीर पर तेल नहीं लगाना, पांचवा सुंदर दलहन चीजों का त्याग करना, और छठा ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, और सातवा अपने जीवन में कार्तिक के महीने में चाहे वाणी का संयम हो, चाहे भोजन का संयम हो, चाहे शब्दों का संयम हो, चाहे दृष्टि का संयम हो, चाहे इंद्रियों का संयम हो, वो संयम रखो, वो संयम धारण करना। अब हमें ये ज्ञात करना है कि 7 नियम जो कार्तिक के महीने के होते हैं, कार्तिक महात्म में जो 7 नियम बताए गए होते हैं, इन 7 नियम में से कोई एक नियम हम हमारी जिंदगी में उतार लें, कोई एक नियम हम हमारे जीवन में उतार लें, जिस नियम के बल पर हमें परमात्मा का साक्षीकरण हो जाए। कोई एक नियम, अगर आप दीप दान कर रहे हो कार्तिक के महीने में, प्रतिदिन आपने एक महीना तक दीप दान करा महाराज, तो यह भी आपका एक नियम है। एक महीने तक आपने जो तुलसी में जल चढ़ाया, ये भी आपका नियम है। आपने अगर वाणी पर संयम रखा है, ये भी आपका। एक बहुत सुंदर बात कार्तिक के महात्म से लीजिएगा अपने जीवन में उतारने के, कार्तिक के महीने का 7वां नियम याद रखना, संयम। किस समय पर किस चीज का संयम होना चाहिए। कौन सा चंदन है जिस चंदन को भगवान को लगा देने पर, कार्तिक महीने में भगवान को लगा देने पर जीते जी भगवान विष्णु कृष्ण राम एक बार गले लगा कर जाते हैं, वो कौन सा चंदन है। आपको पहले भी कथा में वर्णन किया, हरी चंदन। कौन सा चंदन है? हरी चंदन। कार्तिक के महीने में हरी चंदन कैसे बनता है? तुलसी जब सूख जाती है, सूखी हुई तुलसी की जड़ धोकर रख लीजिए, कार्तिक के महीने में उसको सिलवट्टे पर घिसकर उसका चंदन बनाइए, उसमें थोड़ा सा कुंकुम मिलाइए, चंदन बनाकर कार्तिक के महीने में जो भगवान विष्णु के मस्तक पर तिलक लगाता है और अपने मस्तक पर भगवान का ही तिलक लगा लेता है, उसको जीते जी एक बार मेरा श्री हरि गले लगा लेता है, वो हरि चंदन। विष्णु पुराण अभी अधिक मास लगेगा अपना 18 तारीख से, तब अपन उसमें श्रवण करेंगे तुलसी के एक एक महत्व को, कि तुलसी की जड़ में जो पतली धारा रहती है उससे क्या फल मिलता है, क्योंकि अश्विनी अधिक मास है की बात, तो अश्विनी अधिक मास में एक एक प्रमाण दिया तुलसी की पत्ती का, तुलसी के बीज का, तुलसी की टहनी का, तुलसी की जो मंजरी होती है, वो मंजरी जब गिरती है तो गिरी हुई मंजरी का क्या फल है, उसका भी प्रमाण। तो फ्रेंड्स, प्रदीप मिश्रा ने बताया कि कार्तिक माह में तुलसी की कितनी महिमा है, तुलसी में दीपदान करने का भी बहुत ज़्यादा फल मिलता है। जो व्यक्ति और जो भक्त तुलसी मैया पर दीपक जलाते हैं, तो महाराज ने बताया कि उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं और तुलसी माता की कृपा भी उन पर बनी रहती है। फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक।